रणवीर कपूर ने संजू के लिए संजय दत्त के किरदार में ढलने के लिए शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया और नतीजन ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म बन गई। अपनी परफॉर्मेंस के लिए रणवीर कपूर को ना केवल ऑडियंस और क्रिटिक्स की ओर से तारीफें मिली बल्कि ये उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म बन गई। अब खबर है कि रणवीर मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म में सर्किट के किरदार में अरशद वारसी को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार हिरानी के अगले प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म फेयर ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि हिरानी संजू में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस से बेहद प्रभावित हैं। अब वह रणबीर को अपनी मुन्ना भाई सीरीज के आइकॉनिक कैरेक्टर सर्किट के रूप में फिल्म में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इस रोल को पहले की दोनों फिल्मों में अरशद वारसी ने अदा किया था। अरशद के इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकुमार हिरानी का मानना है कि रणबीर और संजय दत्त को दर्शक एक साथ मुन्ना भाई के सीक्वल में देखना पसंद करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रणबीर को और सर्किट के किरदार में देखना नया अनुभव जरूर होगा, लेकिन अरशद वारसी का मुन्ना भाई सीरीज से गायब होना भी इस फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए पचाना आसान नहीं होगा। क्या आप रणबीर कपूर को सर्किट के रोल में देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।